Hello students, in the last video we have studied the step response for the second order system, okay, and we have also calculated the formula, the equation for the step response, okay. Now in this video we will calculate the different time domain parameters like rise time, peak time, and also we will calculate the amplitude related parameter like maximum peak overshoot, okay. So for that parameter to be calculated, we again need the equation of step response. Okay, so equation jo humne calculate kiya tha last class mein, wo kya tha aapka? Ct is equal to 1 minus e ki power minus zeta omega nt upon under root 1 minus zeta ka square sine omega dt plus phi, okay, and bracket close, and it is ut, okay. So, ये हमारा equation था जो हमने last class में calculate किया था, okay? Now, इस equation का use करके ही हमें different और parameters calculate करने हैं, okay? So, मैं इसे अभी equation number 1 दे देता हूँ, okay? Now, अब अगर मैं इस equation number 1 का, that is CT का, अगर मैं graph draw करूँ with respect to time T, okay? So, ये graph थोड़ा सा complicated होता है समझने के लिए, तो आप ध्यान से समझिएगा. Suppose करिए ये आपका टाइम टी है जिसके रेस्पेक्ट में मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं. मेरा एक्स एक्सिस क्या है आपका? टी है, ओके. यहां पर आप देखेंगे अगर मैं यहां पर स्टडी स्टेट वैल्यू कैलकुलेट करूं सीटी की, तो आप देख सकते हैं ई की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है आपका? जीरो होता है, ओके. सो स्टडी स्टेट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होगी आपकी? वन हो जाएगी. कॉन्स्टेंट पार्ट आपका वन ही है, आप जानते हैं पहले से, ठीक है. सो यहां पर अगर आप देखें CT at steady state is equal to 1. Okay, now, अब अगर मैं यहां पर इस 1 को यहां denote कर दूं, suppose करिए like this, ये आपकी क्या है? Steady state value है, ये है आपकी 1. Okay, so, हमें पता है कि steady state value का मतलब क्या होता है? जो CT है, वो after a long time, 1 पे ही constant हो जानी है. Okay, logic clear है आपको? Now, अगर आप सबसे पहले t की वैल्यू 0 पर ct की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो आप देखिए जब आप t की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो e की पावर 0 क्या होता है आपका? 1 होता है. ये क्लियर है पॉइंट आपको? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? t 0 पर sin phi, sin phi हमें पता है क्या होता है? sin phi हमें पता है होता है अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर, ओके. t की वैल्यू 0 पर e की पावर 0 1 था, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर था. और sin phi t की वैल्यू 0 पे जब आप पुट करेंगे तो sin phi बन जाएगा. sin phi क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर एंड 1 माइनस जीटा स्क्वायर जो आपके अंडर रूट वाले टर्म है वो क्या हो जाएंगे? आपके कैंसिल हो जाएंगे, ओके. सो आपका क्या बचेगा? 1 माइनस 1 0, ओके. सो ct की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 0 आ जाएगी एट t इज इक्वल टू 0. लॉजिक क्लियर है यहां तक? नाउ अब अगर आप t की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या समझना है यहां पर? आपको यह समझना है, देखिए यहां पर आपका एक साइन का टर्म है, दैट मींस आपके ऑक्सीलेशंस भी होंगे, ओके. और आपका e की पावर माइनस का टर्म है, मींस एम्पलीट्यूड जो है आपका वो डिक्रीज भी होगा, ओके. बट आपको यह समझना होगा कि जो एम्पलीट्यूड जब डिक्रीज होगा तो वो फाइनल वैल्यू कहां तक होगी आपकी? फाइनल वैल्यू किस एम्पलीट्यूड पे होगी? 1 पे होगी, क्योंकि 1 आपका क्या है? स्टडी स्टेट वैल्यू है, ओके. इसका मीनिंग क्या है? एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता 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 1 पे जाकर कांस्टेंट हो जाएगा. इसका मतलब क्या है आपका? कि जो एम्पलीट्यूड है या जो ऑक्सीलेशन है आपके, वो किसके अक्रॉस होने वाले हैं आपके? वो 1 के अक्रॉस होने वाले हैं. लाइक दिस, देखिए आप यहां पर इस तरह से आपके जो ऑक्सीलेशंस हैं वो आपके होंगे, और ये फाइनली ये 1 पर जाकर क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट हो जाएगा, ओके. सो ये आपका डायग्राम होता है, ठीक है, जहां पर आपके जो ऑक्सीलेशंस हैं वो 1 के अक्रॉस होंगे, ठीक है ना. फाइनल वैल्यू के अक्रॉस होते हैं ऑक्सीलेशन, जैसा आपने इंपल्स रिस्पांस में देखा था. इंपल्स रिस्पांस पे जो आपकी फाइनल वैल्यू थी वो 0 थी, तो जो ऑक्सीलेशंस थे वो 0 के अक्रॉस थे. सेम यहां पर जो आपकी फाइनल वैल्यू है वो 1 है, तो जो ऑक्सीलेशंस हैं वो 1 के अक्रॉस हो रहे हैं. आप देख सकते हैं यहां पर 1 के अक्रॉस आपके ऑक्सीलेशंस हैं, ओके. नाउ अब हमें जो टाइम डोमेन रिलेटेड पैरामीटर डिफाइन करने हैं
या एम्पलीट्यूड डोमेन रिलेटेड पैरामीटर जो डिफाइन करने हैं वो हम कैसे करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका फर्स्ट टाइम जब आपका एम्पलीट्यूड जो है वो वन को टच करता है, मींस जब आपका रिस्पांस जो है फर्स्ट टाइम वन होता है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होता है उसे हम लोग राइज टाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं दोबारा आपको डेफिनेशन जरूर दूंगा इसकी, बट फिलहाल के लिए ये जो होगा टाइम, दिस इज योर राइज टाइम, टी आर, ओके, जब आपका एम्पलीट्यूड जो है वो फर्स्ट टाइम वन को टच करेगा। मैं फाइनल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, जब आपका ग्राफ जो है वो फर्स्ट टाइम वन को टच करता है, देन इट इज कॉल्ड राइज टाइम। ओके, नाउ जब आपका ग्राफ जो है वो पीक वैल्यू पर पहुंचता है, पीक वैल्यू ये रही आपकी पीक वैल्यू, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा आपका, दैट इज कॉल्ड पीक टाइम। ओके, क्लियर है पॉइंट, पीक टाइम जब ग्राफ आपका पीक वैल्यू पर पहुंचता है। ओके, अब आपको यहां ध्यान से समझना होगा कि हर एक हाफ साइकिल में आपकी पीक वैल्यू होगी, पॉजिटिव साइड फर्स्ट हाफ साइकिल में, नेगेटिव साइड सेकेंड हाफ साइकिल में, फिर थर्ड हाफ साइकिल में फिर से पॉजिटिव साइड। तो इस तरह से पीक टाइम जो होते हैं वो बहुत सारे डिफाइन किए जाते हैं। मैं आपको आगे डेफिनेशंस दूंगा कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि कौन सा पीक टाइम आपको कैलकुलेट करना है, बट अभी के लिए बाय डिफॉल्ट पीक टाइम मींस जो आपका फर्स्ट पीक आएगा उसको आप लेके चलिए। ओके, नाउ एक और पॉइंट होता है आपका मैक्सिमम पीक ओवरशूट। मैक्सिमम पीक ओवरशूट एक एम्पलीट्यूड क्वांटिटी होती है। ओके, सो आप देखिए यहां पर आपकी जो स्टडी स्टेट वैल्यू है वो क्या है, वन है, तो वन के रेस्पेक्ट में कितना पीक हुआ, ये रहा आपका, ये जो डिफरेंस है आपका, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम पीक ओवरशूट। ओके, और भी कई तरह के ओवरशूट और अंडरशूट डिफाइन किए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डिफरेंट पीक टाइम्स, जो हम आगे फॉर्मूले में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो बाय डिफॉल्ट आप बोलेंगे मैक्सिमम पीक ओवरशूट, वो जो आपका फर्स्ट पीक आया है, ठीक है, उसको आप स्टडी स्टेट वैल्यू से कंपेयर कर लीजिए। स्टडी स्टेट वैल्यू आपकी वन है, वन और फर्स्ट पीक के बीच क्या डिफरेंस है एम्पलीट्यूड में, वही आपका कहलाएगा मैक्सिमम पीक ओवरशूट। ओके, नाउ जब आपका रिस्पांस जो है, जो आपका सीटी है, वो फाइनली जब वन पे कांस्टेंट हो जाएगा, जब वो और ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं यहां पर, उस टाइम को हम लोग कहते हैं, आप देखिए यहां से लेकर पूरा जो यहां तक का टाइम है, ये वाला टाइम, ओके, जहां पर जो आपका रिस्पॉन्स है वो कॉन्स्टेंट हो गया, वो टाइम आपका कहलाता है टी एस, सेटलिंग टाइम। ओके, तो बेसिकली हमें इन्हीं टाइम से डील करना है, व्हाट इज सेटलिंग टाइम, व्हाट इज राइज टाइम, व्हाट इज पीक टाइम, एंड एक और पैरामीटर है आपका, दैट इज मैक्सिमम पीक ओवरशूट, एम्पलीट्यूड रिलेटेड पैरामीटर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर राइज टाइम ही कैलकुलेट करेंगे। सो आपका राइज टाइम क्या होता है, हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिगर वाइज हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो राइज टाइम आपका क्या है, राइज टाइम इज द टाइम एट विच रिस्पॉन्स राइज फ्रॉम 0% टू 100% ऑफ फाइनल वैल्यू, 0% टू 100% ऑफ द फाइनल वैल्यू। ओके, आप देख सकते हैं यहां पर हमने देखा हुआ है, जब आपका रिस्पॉन्स जीरो से स्टार्ट होता होता वन तक चला जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस टाइम को राइज टाइम कहते हैं। तो यहां पर 0% टू 100% ऑफ फाइनल वैल्यू, ये आपका क्या कहलाएगा, राइज टाइम कहलाएगा। ओके, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आप सारे पैरामीटर यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं वो आप सारे के सारे कैलकुलेट कर रहे हैं अंडर डैम सिस्टम के लिए, तो हम चाहें तो यहां पे नोट भी रख सकते हैं कि ऑल पैरामीटर्स, ठीक है ना, ये जो आप कैलकुलेट करने वाले हैं वो कैलकुलेट करने वाले हैं अंडर डैम्ड सिस्टम। ओके, क्योंकि आपको याद होगा जो आपने फाई कैलकुलेट किया था वो अंडर डैम सिस्टम के रेस्पेक्ट में ही किया था। ओके, सो ये जो इक्वेशन है आपका सीटी का वो अंडर डैम सिस्टम के लिए है, तो आपको ध्यान रखना होगा जो भी आप पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, लाइक राइज टाइम, लाइक पीक टाइम, लाइक सेटलिंग टाइम, लाइक मैक्सिमम पीक ओवरशूट, वो सारे के सारे आप अंडर डैम सिस्टम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। और सेकेंड चीज, सारे के सारे आप स्टेप इनपुट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका इक्वेशन है ये स्टेप रिस्पॉन्स है आपका, जब आपने स्टेप इनपुट दिया था तब आपको ये रिस्पॉन्स मिला था। ओके, सो ये आपको दिमाग में रखना होगा, न्यूमेरिकल में आप गलती नहीं कर सकते, अगर न्यूमेरिकल आपको ओवर डैम सिस्टम का दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो भी आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके, नाउ जो अगर राइज टाइम है आपका वो 0 to 100% ऑफ फाइनल वैल्यू है फॉर द अंडर डैम सिस्टम। ओके, तो यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करने के लिए जाऊं तो यहां पर क्या आ जाएगा, सीटी
100% ऑफ फाइनल वैल्यू मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब आप t की जगह tr पुट करेंगे तो ctr कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ओके। तो यहां पर अगर मैं देखूं मेरा इक्वेशन क्या था, 1 माइनस e की पावर माइनस जीटा ओमेगा nt अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा dt प्लस फाइ। ut को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, ut की वैल्यू 1 होगी फॉर द पॉजिटिव साइड, ओके। तो अब अगर जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां मैं tr पुट कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस जीटा ओमेगा n इंटू टी आर 1 माइनस जीटा का स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी आर प्लस फाइव, ओके। तो ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा, आप देख सकते हैं 1 एंड 1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा यहां पर, ओके। सो आपका इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन हो गया e की पावर माइनस जीटा ओमेगा n टी आर, ओके, 1 माइनस जीटा का स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी आर प्लस फाइ इक्वल टू जीरो, ओके। सो यहां पर अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि या तो आपका ये टर्म जीरो होगा एक्सपोनेंशियल वाला, या तो आपका साइन वाला टर्म जीरो होगा, तभी आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। अगर आप एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को जीरो करना चाहते हैं तो यहां पर कोई एक वैल्यू इन्फिनिटी होनी पड़ेगी, जो आप जानते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, साइन का टर्म जीरो होना चाहिए। आप बताइए साइन जीरो कब होता है, साइन आप जानते हैं साइन जीरो जीरो होता है, साइन पाई जीरो होता है, साइन टू पाई जीरो होता है, साइन थ्री पाई जीरो होता है, एंड सो ऑन, ओके। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन ओमेगा डी टी आर प्लस फाई विल बी इक्वल टू जीरो, इससे आपका पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए ओमेगा डी टी आर प्लस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, एन पाई होनी चाहिए, क्लियर है पॉइंट यहां तक, ओके। सो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, टी आर इज इक्वल टू एन पाई माइनस फाई अपॉन ओमेगा डी, ओके। और हमने राइज टाइम क्या बोला है, राइज टाइम इज द टाइम एट विच रिस्पॉन्स रीचेज टू द 100% ऑफ द फाइनल वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बाई डिफॉल्ट हम लोग यहां पर एन की वैल्यू को 1 लेके चलते हैं, तो जो राइज टाइम का फॉर्मूला निकल कर आता है वो होता है पाई माइनस फाई अपॉन ओमेगा डी, दिस इज योर राइज टाइम, ओके। सो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी जगह कोई और टाइम आपको कैलकुलेट करने के लिए आ गया, कोई न्यू टाइम एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, तो आपको डिराइव करना भी आना चाहिए, ओके। सो ये था आपका राइज टाइम का फॉर्मूला, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं पीक टाइम। सो पीक टाइम कैलकुलेट करने से पहले अगर मैं पीक टाइम की डेफिनेशन बताऊं आपको, तो पीक टाइम क्या होगा आपका, पीक टाइम इज द टाइम एट विच रिस्पॉन्स राइज फ्रॉम 0% टू पीक वैल्यू, और यू कैन से 0 टू पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ओके। इसके मीनिंग क्या है कि 0 टू पीक वैल्यू तक जब आपका रिस्पॉन्स जो है वो राइज करेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम मिलेगा आपको वही क्या होगा आपका, पीक टाइम होगा, ओके। तो हमें अच्छे से पता है कि मैक्सिमम या पीक वैल्यू जो है वो कब कैलकुलेट होती है, वो आप तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप रिस्पॉन्स को डिफरेंशिएट करें टी के रेस्पेक्ट में और इक्वल टू क्या कर दें, जीरो कर दें। मैक्सिमा मिनिमा का यही लॉजिक होता है ना, कि आप जिसके लिए निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी सी टी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, ओके। सो हम क्या करने वाले हैं पीक टाइम कैलकुलेट करने के लिए, इस डी सी टी अपॉन डी टी को जीरो के इक्वल करने वाले हैं, ओके। सो अभी आप चाहें तो फिलहाल के लिए आप इसे टी ही रहने दीजिए, जब आप जीरो कर लेंगे और जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बाई डिफॉल्ट वो क्या होगा, पीक टाइम ही होगा, ओके। सो अगर हम कैलकुलेट करें डी सी टी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, हमें अपने CT इक्वेशन का जो हमने यहां लिख रखा है उसका डिफरेंशिएशन करना होगा T के रेस्पेक्ट में, ओके। तो आप जानते हैं 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, UT को आप फिर से नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका सिर्फ और सिर्फ यही टर्म रह जाएगा। यहां पर आप देखिए दो टर्म है, तो आपको मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, ओके ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इज कॉन्स्टेंट, देन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज कॉन्स्टेंट, ओके। So, मैं यहां पर डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, तो डिफरेंशिएशन आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और जो आपका रिमेनिंग टर्म है जो टी वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं हम यहां पर,
तो आप देखिएगा माइनस साइन आपका पहले से कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आ जाएगा, माइनस जीटा ओमेगा एन फ्रंट में आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो जीटा ओमेगा एन e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी ओके डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा का स्क्वायर, और साइन वाला टर्म क्या होगा आपका कॉन्स्टेंट रह जाएगा ओमेगा डी टी प्लस फाई ओके। नाउ जब मैं अब सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन करूंगा यहां पर ओके फिर से आपको ध्यान रखना होगा माइनस साइन आपका कॉमन है ना, तो आप माइनस साइन यहां लिख सकते हैं, देन ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर। नाउ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका कॉस होता है, तो आप क्या लिखेंगे कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाई ओके। नाउ ओमेगा डी टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा ओमेगा डी ओके इक्वल टू जीरो। नाउ आप देख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो इक्वल टू जीरो होने के कारण ये आपका कैंसिल हो जाएगा ओके। सो और कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या यहां पर, यस आप देख सकते हैं ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी भी कैंसिल हो रहा है यहां से ओके। एक्चुअल में आप देख सकते हैं जब आप ओमेगा टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा टी क्या है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर, तो जो ओमेगा एन है वो भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका खाली फर्स्ट टर्म में जीटा इंटू साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है जीटा साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव ओके। नाउ सेकेंड टर्म में आपका क्या रह जाएगा माइनस ओके ओमेगा डी को आपने क्या लिखा था ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओके। तो यहां पर आप देखेंगे ओमेगा एन तो आपका कैंसिल हो ही चुका था, साथ साथ में जो अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर है और जो कॉस का टर्म है वो खाली आपका रिमेनिंग रह जाएगा ओके। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो ओके। नाउ आपको पता है जीटा क्या होता है, आपने देख रखा है ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में कॉस फाइव, तो आप इसे क्या लिख देंगे कॉस फाइव साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव ओके। नाउ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है साइन फाइव, सो साइन फाइव कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो ओके। अब हमें पता है फॉर्मूले से ये किसका फॉर्मूला है कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, तो ये किसका फॉर्मूला होगा आपका, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा यहां से आपका ओके। सो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइ माइनस फाइ इक्वल टू जीरो। नाउ आपका फाइ और फाइ यहां से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन ओमेगा डी टी इज इक्वल टू जीरो ओके। आपको पता है साइन जीरो कब होता है, जब जो अंदर का जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाए आपका एन पाई के इक्वल हो जाए, इससे क्या हो जाएगा आपका जो टी है वो क्या आ जाएगा एन पाई अपॉन ओमेगा डी, और आपको पता है यहां पर कि जो टी है वो क्या है टी पी है, तो यहां से आपका टी पी कैलकुलेट हो जाएगा पीक टाइम कैलकुलेट हो जाएगा ओके। पीक टाइम कैलकुलेट करने के लिए ही आपने डिफरेंशिएशन किया था सी टी का ओके। सो टी पी इज इक्वल टू एन पाई अपॉन ओमेगा डी ओके। अब यहां पर एन की बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसा मैंने आपको फिगर एनालिसिस करते टाइम बताया था कि जो आपका ये जो फर्स्ट मैक्सिमा आ रहा है वो क्या है आपका पीक टाइम है, लेकिन और भी पीक टाइम्स होंगे आपके विद रिस्पेक्ट टू दिस मिनिमा विद रिस्पेक्ट टू दिस मैक्सिमा, बहुत सारे पीक टाइम्स होंगे ओके। सो यहां पर होता क्या है जब एन की वैल्यू आप 1 पुट करते हैं तो आप इस वाले पीक टाइम को लेते हैं जो आपका फर्स्ट वाला है, देन जब आप एन की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो जो आपका जो मिनिमा आया था फर्स्ट मिनिमा उसके रेस्पेक्ट में आप पीक टाइम बोलते हैं, एन की वैल्यू 3 के लिए आप ये सेकेंड पीक के रेस्पेक्ट में पीक टाइम बोलते हैं ओके। इसको अगर टेक्निकल टर्म में बोलूं और मैं तो ये फर्स्ट पीक को हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरशूट, तो ये जो पीक टाइम कैलकुलेट होगा वो फर्स्ट ओवरशूट के रेस्पेक्ट में होगा, ये जो होगा इसे हम कहते हैं फर्स्ट अंडरशूट, तो ये जो एन की वैल्यू 2 के लिए जो आप पीक टाइम कैलकुलेट करेंगे वो फर्स्ट अंडरशूट के लिए होगा, देन एन की वैल्यू 3 के लिए सेकेंड ओवरशूट, एन की वैल्यू 4 सेकेंड अंडरशूट एंड सो ऑन ओके। क्लियर है पॉइंट, तो यहां पर अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं, जैसे सपोज करिए आपको बोला गया थर्ड अंडरशूट के लिए
ओके आपको कैलकुलेट करना है पीक टाइम, ओके सो टीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पाई अपॉन ओमेगा डी होता है, ओके आपको पता है, आप कैलकुलेट करिए बड़े आराम से। फर्स्ट ओवरशूट के लिए एन की वैल्यू 1, ओके फर्स्ट अंडरशूट के लिए एन की वैल्यू 2, ओके सेकेंड ओवरशूट के लिए एन की वैल्यू 3, सेकेंड अंडरशूट के लिए एन की वैल्यू 4, थर्ड ओवरशूट के लिए एन की वैल्यू 5, थर्ड अंडरशूट के लिए एन की वैल्यू 6। तो अब एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहां पर, 6 पाई अपॉन ओमेगा डी। ओके लॉजिक क्लियर है आपका यहां पे अच्छे से, तो आप क्लियरली देख सकते हैं आपको करना क्या है। आपको जब भी अंडरशूट बोले, जैसे आपको बोला है फिफ्थ अंडरशूट, तो आप जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। ओके पर आपको जैसे बोले फिफ्थ ओवरशूट, तो आपको पता है उससे एक कम होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए और -1 कर दीजिए। जैसे मैं बोलू सेवंथ ओवरशूट, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, 14 -1, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13। ओके लाइक दैट, क्लियर है पॉइंट अच्छे से आपको। नाउ जो नेक्स्ट पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है यहां पर, इट इज कॉल्ड मैक्सिमम पीक ओवरशूट। ओके तो एम पी ओ, मैक्सिमम पीक ओवरशूट, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बताया हुआ है कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, हम n इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करेंगे, माने फर्स्ट पीक जो हमारा आया था, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आई है, मतलब c ऑफ tp, जो पीक टाइम पे जो आपका वैल्यू आई है, ठीक है, माइनस आप क्या करेंगे यहां पर 1 स्टडी स्टेट वैल्यू, ठीक है ना, मतलब पीक वैल्यू और स्टडी स्टेट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है आपका, मैक्सिमम पीक ओवरशूट कहलाता है। क्लियर है लॉजिक अच्छे से, ओके नाउ अब अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, आप देखिए ध्यान से, हमें सीटी की वैल्यू पता है, तो अगर हम सीटी में सीटीपी पुट कर दें, मींस टी की जगह अगर हम टीपी पुट कर दें, तो सीटीपी क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टीपी डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा का स्क्वायर साइन ओमेगा डी इंटू टीपी प्लस फाइ, ओके और हमें क्या करना है लास्ट में -1, यहां भी मैं यूटी को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर 1 और -1 आपका कैंसिल हो जाएगा। हमने जस्ट किया क्या है, ऊपर वाले इक्वेशन में टी की जगह बस टीपी पुट किया है सीटी के फॉर्मुले में और -1 कर दिया है, और कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। ओके सो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, आपको टीपी की वैल्यू पता है, टीपी की वैल्यू क्या है आपकी, पाई अपॉन ओमेगा डी है, जैसा मैंने कहा कि हम लोग यहां पर एन की वैल्यू 1 कंसीडर करने वाले हैं, तो टीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पाई अपॉन ओमेगा डी। ओके सो आप पुट कर दीजिए माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन पाई अपॉन ओमेगा डी अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर साइन ओमेगा डी इंटू पाई अपॉन ओमेगा डी प्लस फाइव। ओके सो यहां से आप देख सकते हैं ओमेगा डी एंड ओमेगा डी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ओके यहां से आप एक और पॉइंट देख सकते हैं कि जो आप अगर ओमेगा डी को ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर लिखें, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी को ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अगर आप लिखते हैं, तो यहां से ओमेगा एन और ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा। ओके तो यहां पर आपका कितना बचेगा, जीटा एज इट इज है, पाई भी एज इट इज है, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर, माइनस साइन आपका पहले से ही था। ओके सो आप लिख सकते हैं इसे, देखिए माइनस ई की पावर माइनस जीटा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके एंड साथ में क्या था आपका, साइन पाई प्लस फाई। ओके ओमेगा डी कैंसिल हो गया था, तो सिर्फ पाई बचा था आपका। ओके सो यहां पर आप ध्यान से देखिए फिर से, ई की पावर माइनस जीटा पाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके एक पॉइंट और है, आपका डिनोमिनेटर में भी क्या था, 1 माइनस जीटा स्क्वायर था, तो यहां भी डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस जीटा स्क्वायर हो जाएगा। आप बैक साइड में देख सकते हैं, डिनोमिनेटर में था आपका अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर। ओके सो यहां पर आप देखिए साइन पाई प्लस फाइव क्या होता है आपका, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन फाइव। ओके सो यहां पर आप देखिए ये एक माइनस साइन है और ये एक माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नाउ जीटा क्या होता है आपका, कॉस फाइव होता है,
तो अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर फाई क्या होता है आपका, साइन फाई होता है। तो ये जो आपका टर्म है साइन फाई और साइन फाई का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो आपका कितना बचेगा आंसर, e की पावर माइनस जीटा पाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर। यही होता है आपका MPO, मैक्सिमम पीक ओवर शूट। ओके, क्लियर है पॉइंट आपको अच्छे से, ठीक है। तो हमने यहां पर जो डेरिवेशन किया है वो हमने n की वैल्यू 1 को लेकर किया है, दैट इज हमने फर्स्ट पीक को लेकर किया है। दैट इज अगर मैं आपको ग्राफ से समझाऊं तो हमने इस वैल्यू के लिए किया हुआ है जो हमारी ग्राफ में प्रेजेंट है, ये आपकी वैल्यू रही MPO, ठीक है ना। पीक वैल्यू माइनस स्टडी स्टेट वैल्यू, जो पीक वैल्यू है वो कैसे मिलेगी, जब आप टी की जगह टीपी पुट कर देंगे, तो हमने वही किया सीटीपी माइनस वन। ओके, तो ये होता है आपका MPO। नाउ मैंने आपको कहा था मैक्सिमम पीक ओवरशूट के अलावा भी बहुत सारे ओवरशूट और अंडरशूट होते हैं। जैसे अगर मैं एन की वैल्यू 2 करूं तो ये आपका निकल जाएगा फर्स्ट अंडरशूट, एन की वैल्यू अगर मैं 3 करूं तो ये मिल जाएगा सेकेंड ओवरशूट एंड सो ऑन। ओके, सो जो आपका जनरलाइज फॉर्मूला निकल कर आता है ओवरशूट का वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ओवरशूट और यू कैन से अंडरशूट दोनों के लिए आप सेम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है फॉर्मूले में e की पावर माइनस एन जीटा पाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर कर देना है। मतलब आपको यहां पर n वेरिएबल का यूज करना है, n की वैल्यू जब 1 रहेगी तो हमारे मैक्सिमम पीक ओवरशूट जो आपका यही इक्वेशन आ जाएगा, n की वैल्यू 2 होगी तो आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट अंडरशूट, जो कि आपका हो जाएगा e की पावर माइनस टू जीटा पाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर एंड सो ऑन। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो ये आपकी एम्पलीट्यूड रिलेटेड पैरामीटर है, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सपोज करिए अगर आप जो भी ओवरशूट या अंडरशूट कैलकुलेट कर रहे हैं वो आप स्टेप इनपुट के लिए कैलकुलेट तो कर रहे हैं, बट स्टेप इनपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो 1 नहीं है। अभी तक हम क्या करते आए हैं, हम लोग एम्पलीट्यूड लेते आए हैं 1, हम लेते आए हैं यूटी ओनली, हमने कभी नहीं कंसिडर किया 10 UT या 5 UT। जो हमने स्टेप रिस्पॉन्स कैलकुलेट किया था सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए उसका इनपुट हमने लिया था यूटी, हमने 5 UT नहीं लिया था या हमने 10 UT नहीं लिया। ओके, सो अगर स्टेप इनपुट का जो इनपुट है, जो एम्पलीट्यूड है, अगर वो 1 के अलावा कुछ और हो, कोई एम्पलीट्यूड हो, जैसे 2 हो, 5 हो, 10 हो, ए हो, सपोज करिए ए हो, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, ए ई की पावर माइनस एन जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा का स्क्वायर। तो अब आप बोलेंगे अभी तक हमने जितने पैरामीटर कैलकुलेट किए वहां हमने ये पॉइंट क्यों नहीं कंसीडर किया ए वाला, वहां भी तो आप ए यूटी ले सकते थे इनपुट। तो आप इस बात को ध्यान से समझिए, अभी तक जो हमने पैरामीटर कैलकुलेट किए थे लाइक पीक टाइम या राइज टाइम, वो टाइम डोमेन रिलेटेड पैरामीटर थे, एम्पलीट्यूड को चेंज करने से उनपे कोई फर्क नहीं पड़ना था। बट ये जो है ओवरशूट या अंडरशूट वो एम्पलीट्यूड रिलेटेड पैरामीटर है, तो एम्पलीट्यूड अगर डिफरेंट होगा तो एम्पलीट्यूड में आपका फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। ओके, नाउ जो लास्ट आपका है पैरामीटर जो हमें कैलकुलेट करना है वो है आपका सेटलिंग टाइम TS। ओके, तो सेटलिंग टाइम आपका क्या होता है, टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच द 100% ऑफ फाइनल वैल्यू और यू कैन से स्टडी स्टेट वैल्यू। तो आप बोलेंगे राइज टाइम में भी आपने यही कहा था कि 100% ऑफ द फाइनल वैल्यू, पर वहां मैंने कहा था फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो फर्स्ट टाइम 100% ऑफ फाइनल वैल्यू में पहुंच जाए उसके बाद भी वो ऑक्सीलेट हो सकता है, लेकिन जो सेटलिंग टाइम है जब वो एक बार सेटल हो गया, जब एक बार वो स्टडी स्टेट वैल्यू में पहुंच गया, ठीक है ना, तो वो फिर कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा उस वैल्यू पर। ओके, तो स्टडी स्टेट वैल्यू पर जिस टाइम पे पहुंच जाएगा या जिस टाइम पे वो कांस्टेंट हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स, वही आपका कहलाएगा सेटलिंग टाइम। ओके, तो यहां पर अगर मैं सेटलिंग टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो सपोज करिए आपको याद होगा वैसे जब हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ा था तो हमने सेटलिंग टाइम 2% के लिए, 5% के लिए और 1% टॉलरेंस के लिए कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो यहां पर भी आपके जो फॉर्मुलेज होते हैं वो बिल्कुल ही सेम होते हैं आपके। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको 2% टॉलरेंस लेवल का एग्जाम्पल दू यहां पर, ओके, सपोज करिए 2% टॉलरेंस, ओके, तो आपका जो फॉर्मूला है वो किस तरह से निकल कर आएगा, आप देखें यहां पर
तो सीटी कितना हो जाएगा आपका अगर 2% टॉलरेंस है तो? दैट मींस 2% टॉलरेंस की मीनिंग क्या है? 2% आप स्टडी स्टेट से कम अचीव करेंगे. स्टडी स्टेट वैल्यू क्या है? 1 है. तो 2% अगर कम अचीव करते हैं तो क्या होगा? 0.98 हो जाएगा. ओके तो सीटी जब 0.98 होगा तो आपका 2% टॉलरेंस हो जाएगा और इसी को आप स्टडी स्टेट मान के चल रहे हैं. तो सी ऑफ टीएस हो जाएगा आपका. ओके तो मैं यहां अगर सीटीएस का इक्वेशन लिख दूं आपके लिए तो सीटीएस का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? 1 - e की पावर माइनस जीटा ओमेगा n इंटू टी एस डिवाइडेड बाय 1 - जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी इंटू टी एस प्लस फाई इक्वल टू 0.98. ओके हमने क्या किया? हमने सिर्फ सीटी के इक्वेशन में टी की जगह टीएस पुट किया है. अब तो हमने इतनी बार सीटी का इक्वेशन यूज कर लिया है कि आपको भी याद हो गया होगा. ओके सो अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं यहां पर तो आप देख सकते हैं अगर मैं 1 को इस तरफ ले जाऊं राइट हैंड साइड तो आपका जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 0.98 - 1 नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव मैं कैंसिल आउट कर देता हूं तो कितना हो जाएगा आंसर आपका? e की पावर माइनस जीटा ओमेगा n इंटू टी एस अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी इंटू टी एस प्लस फाई इक्वल टू 0.02. ओके सो ये आपका इक्वेशन यहां पर क्रिएट हो गया. ओके क्लियर है आपको पॉइंट? नाउ अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं ये जो आपका फर्स्ट टर्म है ये आपका एम्पलीट्यूड रिलेटेड टर्म है जो डिक्रीजिंग पॉइंट को शो करेगा और ये जो आपका है साइन वाला टर्म है जो कि आपका ऑक्सीलेशन पॉइंट को शो करेगा. ओके नाउ जो आपका 0.02 आ रहा है वो एक जस्ट लाइक एम्पलीट्यूड है ना आपके लिए. तो अगर आप इसको ये मान के चलें कि जो आपका 0.02 जो वैल्यू आ रही है इट जस्ट बिकॉज ऑफ एम्पलीट्यूड, अगर आप ये अप्रोक्सीमेशन लेके चले यहां पर तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि e की पावर माइनस जीटा ओमेगा n इंटू टी एस डिवाइडेड बाय 1 - जीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.02. ओके तो हमने क्या ज्यूम किया है यहां पर, क्या अप्रोक्सीमेशन लिया है कि ये जो आपका 0.02 है जस्ट लाइक एम्पलीट्यूड, इट इज एम्पलीट्यूड ओनली. तो इसे हमने एम्पलीट्यूड टर्म से कंपेयर किया है. ओके साइन टर्म जो है आपको ऑक्सीलेशन शो कर रहा है. ओके सो नाउ हम जानते हैं फॉर अंडर डैम सिस्टम, हम सारी चीजें यहां पर अंडर डैम सिस्टम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी कहा है इस वीडियो में. तो अंडर डैम सिस्टम के लिए जीटा क्या होता है आपका? लेस देन 1 होता है. ओके सो अगर आपका जीटा जो है वो लेस देन 1 है तो ये जो पॉइंट है आपका, देखिए आप अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर तो जीटा स्क्वायर जो होगा वो बहुत ज्यादा लेस हो जाएगा 1 से. ओके पॉइंट क्लियर है ना आपको? सपोज करिए अगर मैं जीटा की वैल्यू यहां पर एग्जांपल लेता हूं 0.1 तो जीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा. तो जीटा स्क्वायर जो है वो 1 से बहुत ज्यादा लेस हो जाएगा. तो हम क्या करने वाले हैं यहां पर कि जो आपका ये टर्म है 1 - जीटा स्क्वायर, अगर जीटा स्क्वायर बहुत ज्यादा लेस हो जाएगा 1 से तो अंडर रूट 1 आप लगभग क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं इस वैल्यू को. ओके लॉजिक क्लियर है यहां पर? इफ जीटा स्क्वायर इज वेरी मच लेस देन 1 तो जो आपका अंडर रूट के अंदर बचेगा आप जीटा स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ 1 बचेगा. तो आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? 1 के इक्वल लिख सकते हैं इसे. ओके नाउ इससे आपका क्या होगा कि e की पावर माइनस जीटा ओमेगा n इंटू टी एस किसके इक्वल आ जाएगा आपका? 0.02 के इक्वल आ जाएगा. ओके सो अब अगर मैं इस पॉइंट को ध्यान से देखूं तो मुझे अगर e को हटाना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा राइट हैंड साइड में? ln लेना पड़ेगा. ठीक है तो क्या हो जाएगा? माइनस जीटा ओमेगा n टी एस इज इक्वल टू ln 0.02. ओके अब आप चाहें तो ln जो है वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं खुद कि ln 0.02 आपका क्या होता है. ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव में आंसर आएगा. ओके सो इसकी जो वैल्यू होती है ln 0.02 की वो आपकी अप्रोक्सीमेटली होती है -4. ओके और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना है आपका? माइनस जीटा ओमेगा n ts. तो ये हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा n ts. तो माइनस माइनस यहां से कैंसिल हो जाएगा और जो ts की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 4 upon जीटा ओमेगा n. तो ये आपका इक्वेशन होता है सेटलिंग टाइम का. ओके नाउ अगर आप चाहें तो आप 5% टॉलरेंस
या आप 1% टॉलरेंस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, आप सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। ओके, ये आपके लिए होमवर्क होगा। आप मुझे 1% टॉलरेंस एंड 5% टॉलरेंस के कैलकुलेशन करके उनके आंसर मुझे लिख के देंगे, कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। गुड बाय।